दोस्तों, अगर मैं कहूं कि लोन लेकर आप रिच बन सकते हैं तो आई एम श्योर आप लोग मुझे बेवकूफ कहेंगे। वेल, इसमें आपकी गलती नहीं है। हम सब ने अपने आसपास यही देखा है कि जो आदमी एक बार लोन ले लेता है वो जिंदगी भर लोन के चंगुल में फंसा रह जाता है। उसकी पूरी जिंदगी लोन को चुकाने में निकल जाती है, लेकिन वो कभी लोन से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे में अमीर होना तो दूर की बात, वो आदमी उल्टा गरीब और ज्यादा गरीब हो जाता है। हालांकि इस बात से मैं भी एग्री करता हूं कि लोन आदमी को गरीब बना देता है, लेकिन जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह लोन के भी दो पहलू हैं। एक पहलू जो आदमी को गरीब बनाता है और दूसरा जो आपको अमीर बना सकता है। कैसे? इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि गुड और बैड लोन्स क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लोन लेकर आप किस तरह अमीर बन सकते हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि गुड लोन और बैड लोन्स क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। गुड एंड बैड लोन्स। सबसे पहले, बैड लोन्स वो लोन होते हैं जिनका यूज हम लग्जरी और ऐशो आराम की चीजों पर करते हैं, जैसे कि कार खरीदना, पर्सनल लोन आदि। ये लोन आपको गरीब बनाने के लिए काफी है, क्योंकि इन्हें जब आप एक बार ले लेते हैं तो आप जिंदगी भर के लिए लोन में फंसे रह जाते हैं। कैसे? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी बैंक से कार लोन लेते हैं और इस कार का यूज आप पर्सनल पर्पस के लिए करते हैं। ये कार लोन आपके लिए बैड लोन बन जाता है, क्योंकि एक तो आपको बैंक का लोन इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा और दूसरा, गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए भी आपको अपनी ही जेब खाली करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, आपकी जेब हमेशा खाली होती रहेगी। इसी तरह अगर आप होम लोन अपने पर्सनल घर बनाने के लिए लेते हैं तो ये भी एक बैड लोन बन जाता है, क्योंकि ये घर आपको पैसा कमाकर नहीं देगा, बल्कि घर के मेंटेनेंस में दिन प्रतिदिन आपका खर्चा और बढ़ता जाएगा। वहीं दूसरी तरफ, गुड लोन्स वो लोन होते हैं जो आपको पैसा कमा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप होम लोन लेते हैं और इस घर को आप रेंट आउट कर देते हैं। अब इस कंडीशन में ये होम लोन गुड लोन बन जाता है, क्योंकि रेंट पर देने से ये घर आपका एसेट बन गया है। इसके रेंट से आने वाले पैसे से आप लोन तो चुका ही दोगे, साथ ही ये आपकी परमानेंट इनकम का साधन भी बन जाता है। यानी इससे ये साफ जाहिर होता है कि कोई लोन गुड है या बैड है, ये उसके यूज पर डिपेंड करता है। अगर आप कार लोन को भी कमर्शियल पर्पस के लिए लेते हैं तो वो एक गुड लोन बन जाता है। उसी तरह पर्सनल लोन भी गुड लोन बन सकता है, अगर उसका यूज हम एसेट्स क्रिएट करने में करें। ऐसा ही बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स करते हैं। आपने कुछ ही महीनों पहले मुकेश अंबानी की ये वाली हेडलाइंस हर एक न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मुकेश अंबानी तो इतने अमीर इंसान है, उन्हें लोन लेने की क्या जरूरत। वेल, दोस्तों, कोई भी बिजनेस बिना लोन के नहीं चल सकता, और ऐसा ही मुकेश अंबानी ने किया। यहाँ समझने वाली बात ये है कि उन्होंने इस लोन को किसी लग्जरी पर खर्च करने के लिए नहीं लिया था, बल्कि रिलायंस को फंड करने के लिए और 5G नेटवर्क को सही से लाइनअप करने के लिए लिया था। मुकेश अंबानी अच्छी तरह से जानते हैं कि भले ही अभी लोन अमाउंट बहुत बड़ा लग रहा हो, लेकिन आने वाले समय में ये लोन उनको इससे कई गुना ज्यादा पैसे कमा कर देने वाला है। सो कुछ समय तक इस लोन की EMI भरने में कोई हर्ज नहीं है। इन्हीं की तरह गूगल के फाउंडर ने भी गूगल को एज ए कंपनी सेटअप करने के लिए $1,00,000 का लोन लिया था, और आज गूगल क्या है ये तो हम सभी जानते हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ दो एग्जाम्पल हैं। इनके अलावा आप किसी भी बिजनेसमैन की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, आप पाओगे कि हर बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को सेट करने के लिए लोन लिया है, और जो ऑलरेडी बिजनेस सेटअप कर चुके हैं वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अभी भी करोड़ों के लोन लेते हैं। वैसे बिजनेसमैन की तरह ही इन्वेस्टर्स भी अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन उठाते हैं और उसे शेयर मार्केट, स्टॉक्स, कंपनी के IPOs खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा करने से घर बैठे ही वो करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। आई एम श्योर आप शार्क टैंक के एक्स जज असनीर ग्रोवर को तो जरूर जानते होंगे, और आपने उनकी कोटक महिंद्रा बैंक के साथ कंट्रोवर्सी के बारे में भी जरूर सुना होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि असनीर ग्रोवर नायका का IPO खरीदना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक से 500 करोड़ के लोन की रिक्वेस्ट की, लेकिन एंड मोमेंट पर कोटक महिंद्रा वालों ने उनका लोन रिक्वेस्ट कैंसिल कर दिया,
जिसके चलते अश्नील ग्रोवर नायका का आईपीओ नहीं खरीद पाए और उन्हें करोड़ों का नुकसान हो गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि उन्हें आईपीओ खरीदने से क्या फायदा था, तो आपको बता दे कि अगर नायका का आईपीओ एक साल में 1% से भी बढ़ जाता तो इन्हें 5 करोड़ का प्रॉफिट होता। पैसा लोन में लेकर उसे ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करना जो आने वाले समय में आपको लाखों करोड़ों रुपए कमा कर दे, उसको फाइनेंस की लैंग्वेज में लेवरेज कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको गुड और बैड लोन्स के बारे में अच्छे से मालूम हो गया होगा और ये भी समझ आ गया होगा कि आप किस तरह किसी भी लोन को गुड लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर, आइए अब बात करते हैं कि एक कॉमन इंसान जिसके पास ना तो बिजनेस है और ना ही स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई नॉलेज, तो वो किस तरह लोन लेकर अमीर बन सकता है। असल में ये जरूरी नहीं है कि एक बिजनेसमैन या इन्वेस्टर ही बैंक से लोन ले सकता है। कोई भी सैलरीड पर्सन या जिसके पास कुछ इनकम का साधन हो, वो बैंक से लोन ले सकता है और अपने लिए एसेट क्रिएट कर सकता है। हालांकि शुरुआत में ये एसेट आपको करोड़ों रुपए कमा कर नहीं देंगे, लेकिन समय के साथ करोड़ों क्या अरबों भी कमा कर दे सकते हैं। बस इसके लिए जरूरी है कि आप लोन के अमाउंट को सही जगह इन्वेस्ट करें। इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो हमारी पृथ्वी पर लिमिटेड है और इसी वजह से इसकी वैल्यू और प्राइस हर दिन बढ़ते रहते हैं और आने वाले समय में भी ये बढ़ने ही वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप अभी लोन लेकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर जैसे कि हमने आपको एग्जांपल में भी बताया था कि आप एक घर बनाकर उसे रेंट पर चढ़ा देते हैं, तो ये घर और प्रॉपर्टी दोनों ही आपके लिए एसेट के रूप पर काम करेंगे। एक बार आपका घर बनकर तैयार हो गया और उसने आपको पैसे कमाकर देना शुरू कर दिया, उसके बाद आप इन पैसों को और दूसरे एसेट क्रिएट करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे करके आपके एसेट तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। वैसे प्रॉपर्टी के अलावा और भी कई ऑप्शन है जो एसेट की तरह आपको पैसा कमाकर दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपको स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट की नॉलेज है, तो आप लोन लेकर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह आपको कुछ ही समय में करोड़पति बना सकता है। हालांकि इसमें रिस्क भी है, इसलिए बेहतर है कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में पहले अच्छे से नॉलेज गेन कर लें और उसके बाद ही पैसों को इन्वेस्ट करें। बाकी अगर आपका पहले से कोई छोटा मोटा बिजनेस है और आपको पता है कि ये बिजनेस आगे जाकर अच्छा चलने वाला है, तो आप लोन लेकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि पैसों को हमेशा एसेट में इन्वेस्ट करें, ना कि लायबिलिटीज में। अक्सर देखा जाता है कि लोग बिजनेसमैन की लग्जरियस लाइफ से इंस्पायर होकर बिना सोचे समझे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और लॉस होने पर जब उन्हें लोन की ईएमआई चुकानी पड़ती है, तब लोन को ही गलत कहते हैं। इसी तरह आजकल लोग स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स को देखकर अपना पैसा तो इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि उन्हें इसकी कोई नॉलेज नहीं होती है, और जब उन्हें दूसरे के जैसे रिटर्न्स नहीं मिलते, तब वो अपनी किस्मत और मार्केट को दोष देकर पछताते रहते हैं। इसलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि आप पहले ही चीजों को जान लें और दूसरों की देखा देखी में पैसे को इन्वेस्ट ना करें, वरना आप भी आखिर में उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएंगे जो उम्र भर लोन के चुंगुल में फंसे रहते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसी गलती नहीं करेंगे और अपने पैसों को सोच समझकर सही जगह पर ही इन्वेस्ट करेंगे। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही केस स्टडी के साथ ऑन फ्राइडे 7:30 PM। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।